नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। भारत की वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कानूनी मुसीबत में घिर गए हैं। धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। धोनी को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। एक मैगजीन के कवर पेज पर धोनी की तस्वीर को विष्णु भगवान के रूप में दिखाए जाने की वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। धोनी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है और वह 12 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। डीडीसीए पर केंद्र और राज्य में टकराव। सुब्रमण्यम आयोग को केंद्र ने बताया गैर कानूनी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने डीडीसीए में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य गड़बड़ियों के लिए आप सरकार द्वारा गठित सुब्रमण्यम आयोग को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना असंवैधानिक और गैर कानूनी है, इसलिए इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है। पठानकोट हमले में बड़ा खुलासा। आतंकियों को एयरबेस के भीतर से मिली थी मदद। पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में यह तथ्य सामने आया है कि पठानकोट बेस में जब आतंकी घुसे थे तब वहां 3 फ्लड लाइट्स काम नहीं कर रही थी। एनआईए को इस संबंध में सेना के मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के कर्मचारियों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दीवार की ओर लाइट्स का वाई एंगल होना चाहिए था जो नहीं था। केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाया। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सांड को काबू में करने के विवादास्पद खेल जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे। पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 की अधिसूचना में थोड़ा बदलाव करके शुक्रवार को नई अधिसूचना जारी की, जिसमें जल्लीकट्टू और देश के कुछ राज्यों में होने वाली परंपरागत बैलगाड़ी दौड़ पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अधिसूचना के मुताबिक जल्लीकट्टू के तहत सांड या बैलों को 15 मीटर के दायरे के अंदर ही काबू करना होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात में होने वाली परंपरागत बैलगाड़ी दौड़ पर भी लगी रोक हट गई है। आसाराम को एक बार फिर झटका, नहीं मिली जमानत। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब जोधपुर सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले आसाराम की जमानत अर्जी पर सोमवार को अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बहस की तथा न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण कर फैसला 8 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया था। स्वामी ने तर्क दिया था कि इस मामले में सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है तथा इनसे पूछताछ भी पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के शरीर पर ऐसे कोई चिन्ह भी नहीं पाए गए जिससे लगता हो कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।